नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक बात आपने सुनी होगी, ईंट से ईंट बजा देना, लेकिन यह भी सुना होगा कि ईंट से ईंट तोड़ दी गई। नहीं सुना? अरे सुना होगा, अभी दो ही दिन की तो पहली बात है, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना बंगला खाली किया तो वहां पर ईंट से ईंट तोड़ दी गई, टाइल्स फाड़ दी गई, स्विच तोड़ दिए गए, हटा दिए गए। और अब एक बड़ा खुलासा उस पर हो रहा है। बात यह आ रही है निकलकर कि अखिलेश साहब अपने उस बंगले में, उस आलीशान बंगले में जो अब कूड़ा कबाड़ बन गया है, वहां पर 100-100 एसी लगाए हुए थे। जो स्विच थे वो भी विदेशी थे, बहुत ज्यादा महंगी कीमत थी उनकी। और जो टाइल्स आप देख रहे हैं ना, क्योंकि हर शख्स यही सोच रहा है कि जब घर खाली करके जाते हैं तो टाइल्स भला कौन फाड़ कर ले जाता है, लेकिन खबर यही है कि टाइल्स इसलिए फाड़ी गई है कि वो विदेशी थी, वो इटली से आई थी, इटालियन टाइल थी, तो इसलिए उन्हें हटा दिया गया। क्योंकि मीडिया अंदर गया था, लिहाजा वो दिखाता कि कितना महंगा सामान है, कहां से आया है, इतना आलीशान बंगला था, और मीडिया ने दिखाया भी। सोशल मीडिया पर आप लगातार पिक्चर्स भी देख रहे होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकारी बंगले में ऐसी कौन सी चीज लगी थी जिसे अखिलेश यादव बंगला खाली करते समय या तो अपने साथ ले गए या तहस नहस करवा गए। बंगले में छत से लेकर फर्श और बैडमिंटन कोर्ट तक उखाड़ दिया गया, फर्श से टाइल्स उखड़ी हुई, फ्लोर कारपेट को फर्श से निकलवा दिया गया, स्विच समेत बिजली के वायरिंग तक निकाल ली गई, हर कमरे में तोड़फोड़ हुई, एसी से लेकर स्विच बोर्ड गायब दिखे। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले सरकारी बंगले में महंगे सामान लगाए गए, 100-100 एसी, इटली की टाइल्स, फ्लोरिंग आदि लगाई गई, और जब बंगला खाली करने की नौबत आई तो सब कुछ छुपाने के लिए ये तोड़फोड़ की गई। अब भाई सच क्या है ये तो हमें पता नहीं, ये तो अखिलेश जी को पता होगा, क्योंकि वो इतने सारे टाइल्स ले गए, स्विच ले गए, क्यों ले गए, बैडमिंटन कोर्ट तक क्यों तोड़ दिए। लेकिन मंत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी कहीं घर छोड़ कर जाएंगे तो ऐसे टाइल्स फाड़ कर जाएंगे, ये कुछ समझ आ नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए नीचे, और अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल है, छोटी सी घंटी है, उसे भी दबा दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।